हेलो फ्रेंड्स, मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस कोर केमिकल इंजीनियरिंग चैनल में। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा स्केलिंग ऑफ टेम्परेचर। आई मीन टू से दैट कि जो आपके डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स होते हैं लाइक डिग्री सेल्सियस, केल्विन एंड फारेनहाइट, तो इनका आपस में कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं। यही बेसिकली तीन टेम्परेचर स्केल हैं, केल्विन, डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट, जिसको हम डेली आजकल के डेली बेसिस कैलकुलेशंस में यूज करते हैं। डिफरेंट आई मीन थर्मोडायनामिक्स या कहीं भी होता है, ये तीन स्केल्स हैं नाउडेज में जो हम यूज कर सकते हैं। तो ये तीनों आपके जो टेम्परेचर स्केल्स हैं कैसे इंटर रिलेटेड हैं ईच अदर। आपको अगर डिग्री सेल्सियस टू फारेनहाइट कन्वर्ट करना है या फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे। सिमिलरली डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्ट करना है, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे एंड व्हाट इज द बेसिस बिहाइंड दैट, इसका लॉजिक क्या है, वो चीजें हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप पहले भी आप 11 12th में रहे होंगे या उसके बाद इंजीनियरिंग लाइफ में भी आपने देखा होगा एक रिलेशन दिया होता था फारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का। अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया तो फारेनहाइट कैसे कैलकुलेट करोगे, वो रिलेशन था एफ इक्वल टू 9/5c + 32। ये रिलेशन कहाँ से आया ये हम आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। सेकेंड थिंग, अगर आपको डिग्री सेल्सियस दिया है तो आप केल्विन में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसका फॉर्मूला जो दिया था हमने पढ़ा होगा पहले ही, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो ये दो फार्मूलाज है बेसिकली कन्वर्जन के, डिग्री सेल्सियस टू केल्विन और फारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस और वाइस वर्सा। तो इनका हम लोग डेरिवेशन देखेंगे कैसे डिराइव हुआ है, बेसिस क्या है, और आपको ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मैं इस वीडियो में इजीली एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ में आएगा, कभी भी इस फार्मूले को आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो देखते हैं अपने इस वीडियो में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन थर्मोमीटर्स दिखाए गए हैं, ओके, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तीनों थर्मोमीटर्स क्या आइडेंटिकल हाइट के हैं, इसमें हाइट का कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो पहले वाले को फारेनहाइट स्केल्स में रिप्रेजेंट किया, दूसरे वाले में सेल्सियस स्केल और तीसरे वाले में केल्विन स्केल, ओके। हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फारेनहाइट, ओके, एंड डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन टेम्परेचर स्केल्स, हाउ ऑल थ्री स्केल्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ओके। तो अभी क्या करना है, हमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम वाटर के बारे में जानते हैं। वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करता है और 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है। तो एक इलस्ट्रेशन के द्वारा हम समझते हैं इसको। एक सपोज एक बाउल लेते हैं यहाँ पे, ओके, एक दूसरा बाउल हो गया, इसमें क्या है, वाटर हो गया, बॉइलिंग वाटर, और इस वाले में क्या हो गया, आइस हो गया। अब हम सपोज डिग्री सेल्सियस वाला जो इसके स्केल है, इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले आइस वाले उसमें डालते हैं, तो क्या होगा कि इसका जो मर्करी लेवल का जो ये रेड कलर है ना, ये मर्करी है। मर्करी क्या, 0 डिग्री सेल्सियस पे आते जब आएगा तो उसका जो हाइट रहेगा ना, कहाँ तक आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, कहाँ तक आ जाएगा, ये एक्सपेंड होके यहाँ तक आ जाएगा, पूरा ये पूरा फिल हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का, करेक्ट। तो सिमिलरली क्या है, वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो क्या तीनों अगर थर्मोमीटर सेम है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे सभी का लेवल उतना ही आएगा, तो सिमिलरली यहाँ पे भी इसका क्या हो जाएगा, लेवल आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, केल्विन वाला स्केल भी यहाँ पे आ जाएगा और सिमिलरली फारेनहाइट वाला स्केल भी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो फारेनहाइट स्केल वाले में देखेंगे तो 32 जो है फारेनहाइट पे इसका स्केल आके रुकता है और हम आइस में इस थर्मोमीटर के डालते हैं, और केल्विन वाले स्केल में देखेंगे तो उसका क्या होता है, 273 केल्विन पे आके ये मरकरी का जो एक्सपेंशन है आके रुकता है, करेक्ट ना। अगर यही थर्मोमीटर डिग्री सेल्सियस वाला हम क्या करते हैं, इसमें डिप करते हैं, करेक्ट। तो इसमें अगर हम डिप करेंगे तो क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, वाटर बॉयल हो जाता है, तो टेम्परेचर उसका क्या होगा, राइज होगा। तो सिमिलरली जो मरकरी का प्रॉपर्टी क्या होता है, टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे उसको क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। सिमिलरली ये मरकरी क्या होता है, इसकी थ्रो
इसमें फिलअप स्टार्ट हो जाएगा और उसका लेवल कहाँ तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक पहुँच जाएगा, करेक्ट। तो सिमिलरली क्या तीनों थर्मोमीटर आइडेंटिकल है तो सभी का मरकरी लेवल यहाँ तक पहुँच जाएगा। बस टेम्परेचर का क्या है, तीनों थर्मोमीटर में स्केलिंग अलग है, करेक्ट। तो अभी आप देख सकते हैं वाटर बॉयल्स है 100 डिग्री सेल्सियस, इन केल्विन स्केल में क्या होता है 373 केल्विन पे बॉयल हो जाता, आता आके रुकता है, और फारेनहाइट स्केल में 212 फारेनहाइट पे आके ये एक्सपेंशन उसका रुक जाता है। तो मान लीजिए जो ये लेंथ है हमारा यहाँ से यहाँ तक का, ओके, ये हमारा वाई है, मतलब अगर हम वेरिएशन 0 डिग्री सेल्सियस पे करें सपोज, तो ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक का इतना बनता है। तो हम इसको अगर स्टैंडर्ड मान लें, इसको स्टैंडर्ड मान ले रहे हैं, और अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते वाटर को बवाल करते तो क्या जाएगा, ये स्केल यहाँ पर, तो ये लेंथ को वाई मान लिया। बट इन केस एक थर्ड वेसल हम लेते हैं, करेक्ट, इस थर्ड वाले वेसल में ये 100 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब सपोज ये वाटर बॉयल हो रहा है, मतलब थोड़ा वार्म वाटर है, इन बिटवीन 0 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में, ओके, कहीं पे सपोज यहाँ पे कहीं पे है उसका। अभी क्या होगा, 0 to 100 डिग्री सेल्सियस मान लो सपोज 60 डिग्री सेल्सियस या 50, सपोज 50 डिग्री सेल्सियस पे ले लिया, तो क्या होगा, ये टेम्परेचर इसका क्या सेल्सियस स्केल का थर्मोमीटर बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता, कहाँ पे आएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे आके रुक जाएगा। तो लेकिन लेंथ तो सभी का सभी में आके सेम हो जाएगा। तो सपोज ये लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हम एज्यूम कर ले रहे, ये लेंथ हमारा क्या है एक्स है, तो यहाँ पे भी ये लेंथ हमारा क्या बनेगा, यहाँ से यहाँ तक का ये भी एक्स बनेगा, और यहाँ पे भी ये वाला लेंथ यहाँ से यहाँ तक का क्या होगा एक्स बनेगा, करेक्ट, क्योंकि मरकरी का लेवल क्या होगा एक्सपेंशन का सेम ही होगा, ओके। तो अगर हम यहाँ पे देख सकते हैं, चाहे यहाँ से रेफरेंस लो या फिर यहाँ से रेफरेंस लें, फ़र्क नहीं पड़ता। तो सपोज हम इस वाले को, ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पे स्केल ले रहे हैं, एक्स डिवाइडेड बाय वाई करेंगे, तो ये क्या दोनों तीनों में क्या होगा लेंथ का रेशियो सेम होगा, क्यों, क्योंकि ये लेंथ तो सेम है, यहाँ पे सिमिलरली ये भी सेम है, यहाँ भी सेम है, एक्स 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 सब सेम है, ये वाई वाई सब क्या है सेम है। तो एक्स बाय वाई तीनों केसेस में क्या हो जाएगा सेम इन ऑल थ्री केसेस। अब हम इसको दूसरे वे में लिखते हैं, तो यहाँ में एक्स क्या हो जाएगा, एक्स के जो पॉइंट है ये क्या है फॉरहेड पे, सपोज हम एफ रिप्रेजेंट करते हैं इसको, यहाँ पे इसको सी रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ पे वाले इसको इसको क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, के रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो ये जो लेंथ कितना, ये लेंथ कितना हुआ, ये लेंथ सी एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाय, ये लेंथ कितना हुआ वाई वाला 212 माइनस 32, ओके। सिमिलरली सेल्सियस वाले स्केल पे क्या होगा, सी माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 वाई का जो लेंथ होगा, एक्स बाय वाई का लेंथ लिख रहा हूँ थ्री केसेस में, ऑल थ्री केसेस में। केल्विन वाले स्केल में क्या हो गया, के माइनस 273 डिवाइड बाय 373 माइनस 273 वाई का वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे आप देखेंगे हम, तो क्या एफ माइनस 32 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू सी बाय 100 एंड इज इक्वल टू के माइनस 273 डिवाइड बाय 100। अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद अगर हम इसको यहाँ पे अगर लिखें, तो आपका जो f का वैल्यू आएगा क्या आ जाएगा, 9/5c प्लस 32। तो इस तरह से हम ये इक्वेशन हमें मिल जाएगा। और सिमिलरली अगर केल्विन और सेल्सियस की में रिलेशन निकालना है, तो ये दोनों इक्वेशन का, इन दोनों को हम पैरेलली यूज़ करेंगे। और अगर हम इसको लिखना है, सपोज़ हम इसको भी यहाँ लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 100 100 कट जाएगा, c इज इक्वल टू के माइनस 273, तो k इज इक्वल टू c प्लस
273। तो ये दो रिलेशन हमारा आ गया है, जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इन दोनों का कन्वर्जन कैसे करोगे, और ये दूसरे ये टेम्परेचर स्केल्स केल्विन सेल्सियस एंड फारेनहाइट आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट स्केलिंग ऑफ टेम्परेचर।